नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2014 से लेकर अभी तक हर किसी ने भारत को बदलते देखा है। मोदी राज में भारत की तकदीर को देश ने बदलते देखा है। देशवासियों ने हर एक क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों को देखा है। और अगर इसी फेहरिस्त में रेलवे की बात करें तो रेलवे ने पिछले 5 सालों में बहुत से बदलाव देखे, जिसने रेलवे की सूरत को ही बदल दिया, कायाकल्प कर दिया। जैसे कई रेलवे स्टेशन तो अब एयरपोर्ट जैसे दिखने लगे हैं। ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई तरह की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। रेलवे में जिस तरह के बदलाव मोदी सरकार के दौरान देखने को मिले, उतने किसी और के कार्यकाल में शायद ही कभी देखने को मिले हो। आइए जानते हैं कि क्योंकि अब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया है और मोदी 2.0 में तो और तेजी के साथ काम किया जा रहा है, तो ऐसे कौन से काम हैं जो रेलवे विभाग में मोदी सरकार के नेतृत्व में किए गए। रेलवे में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने पर तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे में FDI लाने की बात सबके सामने रखी और पहले ही बजट में रेलवे के लिए 65,445 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान कर दिया और साथ ही उस बुलेट ट्रेन का ऐलान भी जिसे मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाया जाना था, जो बिना FDI के मुमकिन ही नहीं था। और बुलेट ट्रेन के लिए जापान से उसी वक्त मोदी सरकार को लोन भी मिल गया था। सुरक्षा पर ध्यान किया केंद्रित। साल 2015-16 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्रियों के किराए में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक की देखरेख और विद्युतीकरण पर दिया। साथ ही बजट में पिछले बजट की तुलना में 52% की और बढ़ोतरी की गई और अगले 5 साल के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की भी योजना बनाई थी। नई ट्रेनों और विशेष सुविधाओं पर ध्यान। साल 2016-17 के रेल बजट में पिछले रेल बजट की तुलना में 21% की बढ़ोतरी तो की ही गई, साथ ही 1,21,000 करोड़ के नए प्लान्स का भी ऐलान किया गया और साथ ही हमसफर, तेजस और उदय नाम की नई ट्रेनों की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा उत्कृष्ट नाम से एक डबल डेकर ट्रेन चलाए जाने की भी घोषणा हुई। वाईफाई लेस हुए 400 रेलवे स्टेशन। 2016-17 के ही रेल बजट में गूगल के सहयोग से 400 रेलवे स्टेशन को वाईफाई लेस करने की घोषणा की गई। इसके अलावा और रेलवे स्टेशनों का विकास PPP मॉडल पर करने की घोषणा हुई। आम बजट में मर्ज हो गया रेल बजट। साल 2017 में पिछले 92 साल से चली आ रही परंपरा का अंत हुआ और रेल बजट और आम बजट एक हो गया। रेल बजट को अलग से पेश करने की जगह उसे आम बजट में ही मिला दिया गया और तत्कालीन वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 1,31,000 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया और इसी साल के बजट के दौरान 500 रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का ऐलान कर दिया गया। ट्रेन 18 का तोहफा। साल 2018 के बजट में देश की पहली बिना इंजन की ट्रेन T18 का उपहार देशवासियों को दिया गया, जो कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इसके अलावा मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने और मीटर गेज लाइन को खत्म करके ब्रॉड गेज करने की घोषणा की गई। बजट रखा गया 1,48,000 करोड़ का, जिनमें 36,000 किलोमीटर लाइन बदलने और 18,000 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का ऐलान किया गया। रेल विभाग को मिली नई दिशा। साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर रेलवे विभाग को नई दिशा दी। जोर दिया साल 2018 से साल 2030 तक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पर, जिसके लिए PPP मॉडल पर काम करने का सरकार ने मन बनाया। 2023 तक बुलेट ट्रेन के लक्ष्य को पूरा करने की समय सीमा तय की। नए सबर्बन रेल नेटवर्क तैयार करने पर जोर दिया गया, साथ ही रेल हादसों को रोकने के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को विकसित करने की भी योजना तैयार की गई। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने, साथ ही सभी स्टेशनों को CCTV और वाईफाई लेस करने की योजना पर तो निरंतर काम किया ही जा रहा है। तो देखा आपने, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के बाद अब मोदी 2.0 सत्ता में है और रेलवे विभाग लगातार नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, फिर एक बार प्रमुख विपक्षी दल की जो
डबल स्टैंडर्ड्स है और डबल नीति रहती है उसका एक परिचय इस सदन में कल और आज हमें देखने को मिला। माननीय पूर्व वित्त मंत्री उत्तर जो यूपीए की सरकार के वित्त मंत्री थे और उनका पहला बजट स्पीच 2004-05 को मैं यहाँ थोड़ा कोट करना चाहूंगा एंड आई कोट पूर्व वित्त मंत्री जो उन्हीं की पार्टी के थे इनके शायद वरिष्ठ नेता भी हैं वो कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन आर यूजफुल इकोनॉमिक टूल्स वी विल सिलेक्टिवली एम्प्लॉय दीज टूल्स कंसिस्टेंट विद द डिक्लेयर्ड पॉलिसी एज अ फर्स्ट स्टेप I propose to establish a board for reconstruction of public sector enterprises. The board will advise the government on the measures to be taken to restructure PSEs, including cases where disinvestment or closure or sale is justified. ये थी कांग्रेस की नीति। यार सुनने का साहस रखो भाई सब आ रहा हूँ। कभी हमने आपके जवाबों सवालों को जवाब देने में हिचकिचाई नहीं। अरे सुनो जरा, जरा सदन को भी बता दे कि इनकी दोगली नीति कैसी चलती है। फिर माननीय अध्यक्ष जी, जीएसटी लाना था देश में, जीएसटी के लिए एक कॉरपोरेशन बनानी थी, उसकी कॉरपोरेशन कांग्रेस की सरकार ने 28 मार्च 2013 को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, यानी पूरे देश का जीएसटी का डेटा एक प्राइवेट कंपनी को देना और उसके अंदर भी मेजॉरिटी स्टेट प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जिसमें पूरा जीएसटी का डेटा जिसके अंदर था। हमने सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पे इसको सरकारी कंपनी बनाया। मुंबई दिल्ली के एयरपोर्ट जनवरी 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अनाउंस किया एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और दोनों एयरपोर्ट उसी हाथों में दे दिए। ये है कांग्रेस की नीति। फिर बजट की 2005-06 में उस समय के वित्त मंत्री फिर एक बार क्या लिखते हैं, स्टैंप ड्यूटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेटाइजेशन, ये शब्द है, स्टैंप ड्यूटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेटाइजेशन द सेबी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 एज अमेंडेड रिसेंटली। उन्होंने एनिलेटेड प्रश्न पूछा, एज अमेंडेड रिसेंटली रिक्वायर्स ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस टू बी कॉरपोरेटाइज एंड डी म्यूचुअलाइज, दी स्टॉक एक्सचेंजेस आर नॉट येट कॉरपोरेटाइज, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कॉरपोरेटाइजेशन आई प्रपोज टू ग्रांट अ वन टाइम एक्सेप्शन टू देम फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी ऑन द नोशनल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अध्यक्ष महोदय ये स्पष्ट करता है कांग्रेस सरकार ने कॉरपोरेटाइजेशन नहीं प्राइवेटाइजेशन किया था। हमारी सरकार ने इन प्रोडक्शन यूनिट्स में जॉब्स आए, निवेश आए, ग्रोथ हो, बड़े जनता की सेवा करें, अच्छे मॉडर्न एलएचबी कोचेस बनाए, एल्यूमिनियम कोचेस बनाए, ट्रेन सेट बनाए, इलेक्ट्रिक से चलने वाली अच्छी ट्रेनें बनाए, उसके लिए इसको कॉर्पोरेटाइज करना, इसमें बड़े रूप से निवेश आना, लेकिन हमने जो लिखा है उसमें कॉर्पोरेटाइज होने से सरकार की मालिकी रहेगी, हम अपने हाथों में उसके पूरे शेयर रखेंगे, इनकी तरह नहीं कि निजी क्षेत्र को उठा के बेच दिया। हम उसको कॉर्पोरेटाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने यही पैक्टी 2007-08 में अनाउंस की, अनाउंस करने के बाद कुछ काम नहीं किया, आस्ते आस्ते 2014 आ गया, 2014 तक इस कोच फैक्ट्री ने एक भी कोच नहीं बनाया था, एक पेंट मारते थे या पेंट करते थे, कोचेज आईसीएफ से आते थे, कोचेज कपूरथला से आते थे, इनकी सरकार की सिर्फ घोषणाएं थी, काम नहीं होता था। हमने उस फैक्ट्री को चलाया, फैक्ट्री में लोगों को नौकरी दी जो कांग्रेस ने कभी नौकरी नहीं दी थी, वो नौकरियां भी लोकल लोगों को देश भर में मिली। उस फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 1422 कोच बनाए, 1000 की क्षमता की फैक्ट्री ने 1422 बनाए। ये हमारी सरकार का काम करने का ढंग, आपकी तरह दोगले वचन और बेबुनियाद बातें नहीं करते।